आगरा से अब खबर, जहां यूकेजी के छात्र के अपहरण की कोशिश, पुलिस की वर्दी में आए थे अपहरणकर्ता, स्कूल बस रुकवाकर अपहरण की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने एक वर्दीधारी को पकड़ा है। पुलिस ने सकुशल बच्चे को छुड़वाया, जहां पिडौरा थाना क्षेत्र के जेएन स्कूल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां वर्दी में अपहरणकर्ता आए और यूकेजी के छात्र को अपहरण करने की उनकी बड़ी साजिश थी, लेकिन ग्रामीणों ने वर्दीधारी को पकड़ लिया। पिडौरा थाना क्षेत्र के जेएन स्कूल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये नापाक कोशिश की गई, यूकेजी के छात्र को, छात्र का अपहरण करने की कोशिश की गई, वो भी वर्दी में। तो देखिए, आगरा से ये खबर है, जहां यूकेजी के छात्र का अपहरण करने की कोशिश, फिलहाल पुलिस ने सकुशल बचाया है बच्चे को, स्कूल बस रुकवाकर अपहरण की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते यह अपहरण नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने एक वर्दीधारी को पकड़ लिया, पुलिस ने सकुशल बच्चे को छुड़वा लिया अपहरणकर्ता के पास से, लेकिन बड़ी ये साजिश थी। देखिए, जहां वर्दी में आया था यह अपहरणकर्ता, जिससे किसी को भी शक ना हो कि यह अपहरणकर्ता है, और इसके बाद शायद परिजनों से फिरौती मांगने की भी उसकी साजिश थी, तभी अपहरण को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन देखिए, जो पूरा मामला है, पिडौरा थाना क्षेत्र के जेएन स्कूल के पास का बताया जा रहा है, जहां बस, स्कूल बस जो होती है, उसको रुकवाया गया और उसके बाद छात्र को अपहरण करने की बड़ी कोशिश थी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या जानकारी, देखिए कौन ये वर्दीधारी लोग थे जो वर्दी पहनकर आए अपहरण करने, और ग्रामीणों की सूझबूझ से हालांकि अपहरण नहीं कर पाए हैं, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला आगरा जनपद के थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर जेएन स्कूल के पास का ये मामला है, जहां एक 5 वर्षीय बच्चा स्कूल जा रहा था, तभी दो गाड़ियों में करीब 5 लोग सवार आए, जिसमें एक व्यक्ति वर्दी पहने हुए था, थ्री स्टार लगे थे, और उन्होंने उस गाड़ी को रोका, स्कूल वैन को रोका, जिसके बाद जो 5 साल का बच्चा है उसको लेकर वह फरार हो गए। जब ड्राइवर ने, इस जो वैन ड्राइवर था, स्कूल वैन ड्राइवर, उसने इस चीज का विरोध किया, शोर शराबा किया, तो आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए और एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर, फर्जी इंस्पेक्टर के साथ साथ एक व्यक्ति को भी मौके पर पकड़ लिया है। तो वही सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई है और जो बच्चा है उसको बरामद करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। तो वहीं पुलिस का कहना यह है कि इसके पीछे पति पत्नी का विवाद बताया जा रहा है, यानी कि पति और पत्नी का कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि पति फर्जी वर्दीधारी को लेकर बच्चे को लेने आया था। बहरहाल पुलिस जांच में लगी हुई है और जो पकड़े गए दोनों आरोपी हिरासत में लिए, उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही बच्चे को बरामद करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, यानी कि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं सूझबूझ के चलते ग्रामीणों के अपहरण बचा है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।